हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुसुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ककोरा की सब्जी बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने 250 ग्राम ककोरा को अच्छे से वाश करके काट लिया है और एक टमाटर, एक आलू, एक प्याज, इन सभी सब्जियों को हमने वाश करके काट लिया है। अब इसे भी काट लूंगी। इसे हमने लंबाई में काट लिया है। यह सब्जी बहुत हेल्दी और टेस्टी बनती है। इसी तरह छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसकी हल्की सी ग्रेवी वाली भी सब्जी बनती है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें लहसुन और एक हरी मिर्च को काट के डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, उसके बाद प्याज डाल दिया है। प्याज थोड़ी सी भून गई है, अब सभी सब्जियों को डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। इसी तरह चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। एक कटोरी भीगा हुआ चना को हमने 10 मिनट पहले से बॉईल करके रख लिया है, इसे भी डाल देंगे। और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी बनती है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद ढक्कन लगाकर इसको धीमी आंच पर 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है। इस तरह आप चेक कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। अब यह स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।